औरंगाबाद में सीवर टैंक साफ करते वक्त दो युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को फर्श तोड़कर लगभग 16 घंटे बाद बाहर निकालने में सफलता पाई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में यूपी रोडवेज एम्प्लॉय एसोसिएशन की महाहड़ताल मेरठ में बेअसर नजर आई। मेरठ में बसें सड़कों पर सरपट दौड़ रही हैं, तो कई रूट पर लोग परेशान रहे। वहीं रोडवेज एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बस अड्डे पर हड़ताल दर्शाने के लिए बैनर और पोस्टर भी लगा रखे हैं। फरुखाबाद में एक युवक का पेड़ पर लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने अज्ञात लोगों पर उसकी हत्या करके शव को लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर में शिरोमणि अकाली दल उत्तर प्रदेश के प्रभारी राय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अकाली दल बीजेपी से संगठन करके पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने आप पर भी जमकर निशाना साधा। नीरा राडिया के मथुरा में बने नयति अस्पताल की महिला कर्मियों ने 6 महीने से वेतन न मिलने के चलते अस्पताल में हंगामा किया। इस दौरान कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मियों के साथ अस्पताल के गार्डों ने हाथापाई भी की। फरुखाबाद की फतेहगढ़ कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से लूटपाट की कोशिश की। यही नहीं, विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय परिसर में शुक्रवार सुबह करीब 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। एक बिजली मिस्त्री की नजर सबसे पहले अजगर पर पड़ी, तब उसने वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर कुकरैल के जंगल में छोड़ा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कानपुर में 12 सूत्रीय मांगों को विभिन्न संगठनों से प्रदर्शन किया, लेकिन फूलबाग स्थित ओईएफ में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के पदाधिकारियों ने गेट के अंदर से किला मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। कानपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विवेक द्विवेदी ने कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने अपने अपमान और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही डीएम कौशल राज शर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर तो ले ली है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा है। बिजनौर के नगीना इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, बदमाशों ने विरोध करने पर परिवार के लोगों को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।